सबसे पहले मैं गूगल खोल के कोई भी एक बोतल सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं ये वाली बोतल डाउनलोड कर लेता हूँ और अब मैं इसे डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ओपन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर पेन टूल से हाफ बोतल को ड्रॉ कर लूँगा और साथ ही साथ ऊपर का जो कैप है ना उसको मैं अलग से ड्रॉ करूँगा। अब ड्रॉ करने के बाद ये 3D एंड मटेरियल पे जाके मैं रिवॉल्व कर दूँगा। इससे क्या है, हमारी पूरी बोतल बन गई है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें जाना है एसेट एक्सपोर्ट पे, जो कि है यहाँ। क्लिक करते ही हमारा ही साइड में खुल गया है। अब हमें बोतल और कैप दोनों को यहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप कर देना है और मैं यहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप करने के बाद इन दोनों के नाम भी चेंज कर लेता हूँ फटाफट। जो भी आपको डालने हैं वो भी डाल लेना, मैं बोतल और कैप के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लूँगा OBJ पे। OBJ पे जाके अब हमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, जहाँ भी आप करना चाहो वहाँ कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ओपन करना है Adobe का डायमेंशन और यहाँ पर जाके आपको इम्पोर्ट कर लेनी है जो भी जहाँ पर भी आपने सेव किया था। यह मेरी आ गई कैप और ऐसे ही मैं बोतल को इम्पोर्ट कर लूँगा। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके और दोनों को एक साथ में पकड़ के थोड़ा सा पोजीशनिंग वगैरह ठीक कर लूँगा इनकी। इसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा मटेरियल्स पे और मटेरियल्स पे जाके मैं मटेरियल सेलेक्ट कर लूँगा ग्लास का और ऊपर कैप के लिए अलग से गोल्ड वाला या सिल्वर वाला जो भी आप मटेरियल सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, मैंने सिल्वर कर लिया है। अब मैं जाऊँगा मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पर और अपने हिसाब से बैकग्राउंड और बोतल के ग्लास का भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लूँगा। एंड फाइनली अब टाइम आता है थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने का। उसके लिए मैं इसको एक और कॉपी बना लूँगा इसी की और इसी के पास मैं रख दूँगा थोड़ा सा पीछे करके। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए मैं ले लूँगा थोड़ी सी अलग अलग शेप्स, जिससे कि इसके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मॉडर्न लगने लगे। एंड अब मुझे जिस भी शेप में रेंडर निकालना है मैं वो पोजीशन सेट कर लूँगा एक बार, और सेट होने के बाद मैं रेंडर पे जाके क्लिक करूँगा और अपनी सेलेक्ट की गई लोकेशन के हिसाब से उसका वहाँ पर रेंडर निकाल लूँगा। अब इस वाले प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपके PC के ऊपर है वो कितना टाइम लगाता है, इसलिए मैं भी इसको स्किप करके आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ। ये है मेरे आर्टवर्क का आउटपुट, जो कि इतना अच्छा क्लीन और क्लियर निकल के आया है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और साथ ही साथ अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।